से किशनगढ़ क्षेत्र में काम कर रही है। पहले 2014 में हम लोग मात्र 13 गांव में काम करते थे, लेकिन 2015 से हम लोगों ने 40 गांव में 15 माध्यमिक शालाओं और 42 प्राथमिक शालाओं में कार्य किया है। हम लोग जो स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे या जो शाला त्यागी होती है उनके लिए हम लोग जैसे विगत 2 वर्षों से लगातार इन गर्मियों में 4 से 6 दिन का जो आप लोग ज्वाफुल बालक बालक वाली बात चल रही है, हम लोग समर कैंप लगा रहे हैं और इस समर कैंप में SMC समुदाय और शिक्षकों का पूरा सहयोग रहता है। बच्चे 4 से 5 दिन 6 दिन उस समर कैंप में आनंद लेते हैं और पिछले वर्ष हम लोगों ने 8 पंचायतों में बच्चों का समर कैंप लगाए और बच्चों ने काफी आनंद उठाया और उन्हें बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसको हम आनंद से ग्रहण कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जनवरी माह में खेल गतिविधि की जिसमें 15 माध्यमिक शालाएं और उसमें 10 प्राथमिक शालाएं के बच्चे भी थे। उस खेल गतिविधि में कबड्डी, रस्साकसी, दौड़, क्रिकेट, आपको बता दें किशनगढ़ क्षेत्र में हम लोगों ने बालिकाओं की क्रिकेट खिलाई है और वो भी प्राथमिक शालाओं के बच्चियों की। तो इस तरीके से हम लोग गतिविधि करते हैं, साथ ही SMC की बैठक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी कितनी जिम्मेदारी है। समुदाय की भी बैठक करते हैं, उन्हें बताते हैं और जो भी शासन के तहत जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही जो निर्धन छात्राएं होती हैं उन लोगों को हम लोग पुस्तक ग्रहण कराते हैं। अभी हम लोगों ने इस वर्ष 120 छात्राओं को किताबें पाठ पुस्तकें दी हैं। साथ ही खेल सामग्री भी 15 माध्यमिक शालाओं में खेल सामग्री और कुछ प्राथमिक शालाओं में भी खेल सामग्री दी है ताकि बच्चे अपना खेल खेल के शिक्षा ग्रहण करें। और इस सभी चीजों में हमें समुदाय का, SMC का और साथ ही शिक्षकों का और वरिष्ठ अधिकारियों का बराबर सहयोग मिलता रहा है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने बाल पंचायतों का भी गठन किया है, 57 स्कूलों में बाल पंचायत का गठन किया है और उस बाल पंचायत को हम लोगों ने विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। बच्चों को बुलाना, जो बच्चे नहीं आते हैं उनसे दोस्ती करके उन्हें स्कूल तक लाना, ये बच्चे हमारे काम करते हैं। तो इसके माध्यम से उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है, साथ ही उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। और हम इसी के साथ कि बच्चे हमारे लगातार विद्यालय जाएं, शिक्षा ग्रहण करें और पूरे आनंद के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद।